प्याज के ब्रेड पकौड़े बनाएंगे यार, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें इस रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले बेसन का घोल बनाएंगे। तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी ऑप्शनल है, आधा छोटी चम्मच जीरा जिसे मैं कूट कर डालूंगी, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पाउडर लगभग 3/4 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, या फिर बारीक कट करके ऐड करें, अदरक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच से कम डालूंगी मैं इसमें अजवाइन। अजवाइन को इस तरह दोनों हथेलियों से क्रश करके फिर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें पानी डालेंगे और घोल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखें आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इस घोल को, और ये घोल बनाते टाइम ही आप इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए फेंट लें, जिससे कि आपके जो पकौड़े हैं ना वो काफ़ी फ्लफ़ी और सॉफ़्ट बनेंगे। अगर आप फेंटेंगे नहीं तो जो पकौड़े हैं ना बिल्कुल ऐसे टाइट टाइट बनने लगते हैं। तो आप फेंट कर ज़रूर बनाएं, देखिए आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। मैंने घोल बनाने के बाद उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने प्याज को इस तरह रफली कट किया है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं प्याज के तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ब्रेड पकौड़े में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद ये जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं, और अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा पतला आप इसको नहीं करेंगे। इसे रख देंगे कुछ देर के लिए साइड में, तब तक हम ब्रेड तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 4 व्हाइट ब्रेड ले लिए हैं, इन्हें कट कर लेंगे पहले। तो 1 ब्रेड में से मैं 4 पीसेस कट करूँगी। अब इसमें से 1 पीस उठाकर डालेंगे बेसन वाले घोल में, और इसी तरह से रहने देंगे ब्रेड को, और इसके ऊपर से डाल देंगे और भी बैटर, और प्याज साथ में रहेगी। अब नीचे से थोड़ा सा बैटर उठाते हुए ब्रेड के साथ में ही डालेंगे इसे गरम ऑयल में सिकने के लिए। ध्यान रखें दोनों साइड में जब प्याज के साथ में बैटर आएगा तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन्हें सिकने देंगे एक साइड से, जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए, फिर उसके बाद पलटेंगे। और ब्रेड पकौड़े सेकते टाइम स्टार्टिंग में आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पर सेकें, जिससे कि आपके जो ब्रेड पकौड़े हैं वो अच्छे कुरकुरे बनेंगे। अभी ये बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर अच्छा गोल्डन हो गया है। इन्हें मैं निकाल लूंगी ऑयल में से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ब्रेड पकौड़े हैं और भी ज़्यादा कुरकुरे बने, ब्रेड पकौड़े ही नहीं, आप कभी आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े बना रहे हैं, तो अगर वो आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा कुरकुरे बने, तो उसके लिए आप पहले फ्राई करके रख लें पकौड़ों को, उसके बाद जब सर्व करने हों तब आधा से 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लें ऑयल में, जिससे आपके पकौड़े हैं ना बहुत ही अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं और खाने में लगते हैं बहुत ही टेस्टी। मेरे तो ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं, इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ। आप हरी चटनी या फिर जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना उनसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये प्याज से बने हुए ब्रेड पकौड़े। आप ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।